गाइज, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। अभी एडिटिंग करते हुए हमें पता चला कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा बन गया है और हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि फिर वो टच टूट जाता है। आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों से शेयर करने के लिए इस वीडियो में। एंड जितने भी मेरे गन इंथूजियास्ट और गन लवर भाई हैं सारे, उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं, पूरा देखना है भाइयों ने, स्किप नहीं करना। थोड़ा सा लंबा है पर बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो लेट्स गो टू द वीडियो नाउ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सारे सेफ हैं एंड लकीली हम लोग भी सेफ हैं। आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, एज यू ऑल नो, जो लोग मुझे इंस्टा वगैरह पे हर जगह फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। एंड इट वॉज अ हेल ऑफ अ राइड, सीरियसली गाइज। एक वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती थी मेरे को कि भैया अपनी गन्स पे, अपने फायर आर्म्स पे वीडियो हमें देखनी है, आपके पास कौन कौन से वेपन्स है और क्या है। एंड अभी जस्ट मैंने एक नई रिवॉल्वर खरीदी है तो मैंने सोचा उसका एक छोटा सा रिव्यू कर दें। प्लस मेरे को लग रहा था कि गन सेफ्टी को लेकर इंडिया में बहुत ज्यादा लीनियंसी होती है, तो एक बार उसके ऊपर भी मैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर मतलब डूज एंड डोंट्स एक तरीके से कि हाउ टू हैंडल अ गन, क्या रूल्स हैं, क्योंकि लोगों को रूल्स से, आर्म्स एक्ट से भी लोग अवेयर नहीं है एंड इसलिए बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। कई बार वो गलतियां फेटल हो जाती हैं, कई बार इंजरीज हो जाती हैं लोगों को, तो वो सब ना हो, वो सब प्रिवेंट हो सके, तो उसके रिलेटेड भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम हमारे नए रिवॉल्वर का रिव्यू भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस इज नॉट अ टॉय। ये कोई खिलौना नहीं है, कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। अगर आपके पास कोई वेपन है तो आप इसको बहुत सीरियसली लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इससे कुछ होता है तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। भारत सरकार सिर्फ दो केसेस में लाइसेंस देती है आपको, एक सेल्फ डिफेंस कैटेगरी में, एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में जिसमें आप कोई शूटर वगैरह का लाइसेंस होता है। सेल्फ डिफेंस कैटेगरी में आप दो वेपन्स कैरी कर सकते हैं, पहले तीन कर सकते थे, पर 2019 में आर्म्स एक्ट जब रिवाइज हुआ तब वो तीसरा वेपन सरेंडर करना पड़ गया लोगों को, अब आप सिर्फ दो ही वेपन्स रख सकते हैं। एंड शूटर्स के लिए तो भाई स्काई इज द लिमिट, अगर आप कोई रिनाउंड शूटर हैं तो आप 15-15 वेपन्स तक भी रख सकते हैं। उनके रूल्स भी अलग हैं, जैसे कि सेल्फ डिफेंस के लिए किसी इंडिविजुअल या किसी सिविलियन के पास कोई वेपन है तो उसको कंसील्ड कैरी करके चलना है, हमेशा होल्स्टर में रखना है, पब्लिक प्लेसेस में इट शुड बी कंसील्ड, ये सारे रूल्स हैं। एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी के अलग है कि वो वेपन को होल्स्टर में भी नहीं रख सकते, दे विल हैव टू कीप इट इन द वेपन बॉक्स, जैसे ऐसा कोई वेपन बॉक्स हो उसमें रखना पड़ेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, दे आर जस्ट गूगल सर्च अवे। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि डूज एंड डोंट्स, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई बार लोग सोशल मीडिया वगैरह पे भी फोटोज वगैरह डालते हैं तो हमेशा उनका हाथ ट्रिगर पे होता है। एंड ट्रिगर डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन हैंडलिंग द गन, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम मेरी रिवॉल्वर के बारे में बात करेंगे। एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, कि अगर कोई लाइसेंस होल्डर कोई निशांक लेना चाह रहा है या इसके बारे में रिसर्च कर रहा है, क्योंकि मैंने भी लेने से पहले इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च करी, अलग अलग चीज़ें थी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, तो वो सब हो सकता है, आई विल ट्राई टू क्लियर देम अप फॉर अ फ्यूचर बायर। तो ये एजुकेशनल पर्पसेज के लिए ही है वीडियो। आई वुड सजेस्ट अगर आप बिलो 18 हैं तो आप इस वीडियो को बंद कर दें। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, आप वो वाली देखें। आई वुड नॉट रिकमेंड कि कोई अंडर 18 इसको देखें। सो अभी मैंने आपको जो NPB कैटेगरी है उसमें बताया कि दो टाइप के कौन से लाइसेंसेज हो सकते हैं, एक सेल्फ डिफेंस के लिए और एक स्पोर्ट्स के लिए। तो NPB मींस नॉन प्रोहिबिटेड बोर, जो कि सिविलियंस को अलाउड है, उसमें दिल्ली में आप उसमें 0.32 बोर रख सकते हैं, 0.22 रख सकते हैं, 0.380 रख सकते हैं। दिल्ली में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ये, कम ऑप्शंस हैं, पर जैसे पंजाब साइड या फिर यूपी हरियाणा में NPB में और भी कई सारे कैलिबर्स रख सकते हैं आप। कई कई जगह 0.30 भी अलाउड है, कई कई जगह 0.40, 0.45, काफ़ी सारी स्टेट्स के अलग अलग रूल्स हैं। एंड उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी होती है गाइज, वो होता है PB बोर, प्रोहिबिटेड बोर, जिसमें 9mm और ऐसे वाले सारे असॉल्ट राइफल्स और ये सब आते हैं, जो कि आर्मी और पुलिस पर्सनल के लिए ही हैं, तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिविलियंस के लिए जो वेपन्स हैं और सिविलियंस के लिए जो कैलिबर्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे एंड गन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। एंड आई नो गाइज, ये मेरे रेगुलर व्लॉग्स वगैरह जितना एंटरटेनिंग नहीं हो, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे, पूरा वीडियो देखें। एंड आई होप इस वीडियो के जरिए से मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ एंड थोड़ी सी नॉलेज इम्पार्ट कर पाऊँ। एंड गाइज, प्लीज़ ऑलवेज ट्रीट अ गन एज इफ इट्स लोडेड। अभी ये मेरा फायर आर्म खाली है, पर मैं फिर भी देखो बैरल ना कैमरामैन की तरफ कर रहा हूँ ना अपनी तरफ कर रहा हूँ, मैंने साइड की तरफ करा हुआ है। नेवर पॉइंट योर बैरल एट एनीवन, हमेशा अपने वेपन को, चाहे वो एयर गन ही क्यों ना हो, एयर राइफल हो, कोई भी कुछ भी हो, लाइटर ही क्यों ना हो, गन वाले लाइटर्स होते हैं, ऑलवेज ट्रीटेड एज अ लोडेड वेपन। कभी उसका बैरल किसी भी ह्यूमन बींग, किसी भी जानवर, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको एक छेद नहीं चाहिए ना, उसकी तरफ बिल्कुल भी पॉइंट ना करें। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि लोग भूल जाते हैं। कई बार मैं लोगों की स्टेटस वगैरह देखता हूँ गाड़ियों में गन पे ट्रिगर पे हाथ रख के, और ऐसे मतलब अजीब चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ ये सब ना कीजिए, इट इज़ वेरी रिस्की।
एंड किसी को भी चोट लग सकती है, किसी की जान भी जा सकती है इसमें। और गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ऐसे कॉमेंट्स करने से रिफ्रेन करें कि इलीगली मिल जाएगी या फिर ये गन ऐसे मिल जाएगी बिना लाइसेंस के मिल जाएगी या दो नंबर में मिल जाएगी। क्योंकि मैं कई बार जब मैं यूट्यूब पर रिसर्च कर रहा था, नीचे बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं और उसमें लोग अपना व्हाट्सएप का नंबर तक डाल के रिप्लाई करते हैं कि हाँ मिल जाएगी वो, तो ऐसे कॉमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। ये एक लाइसेंस्ड वेपन है और ये लाइसेंस पे ही मिलेगा। एंड आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जैसे कि दिल्ली, यहाँ पर लाइसेंसिंग अथॉरिटीज लाइसेंस ग्रांट करती हैं, एंड यूपी, पंजाब, इन सारे एरियाज में वहाँ के डीएम साहब लाइसेंस अलॉट करते हैं। एंड उसकी कई सारी एलिजिबिलिटीज होती हैं, मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यू विल हैव टू प्रूव कि यू आर मेंटली सेन, आप एक गुस्से वाले इंसान नहीं हैं, आपके ऊपर कोई केसेस वगैरह ऐसे नहीं चल रहे, कोई क्रिमिनल केसेस गलत नहीं चल रहे, एंड आपकी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होती है एंड काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस है। एंड उसके बाद आपकी फाइल धीरे धीरे आगे चलती है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर अब चलते हैं टॉप डाउन व्यू पे, एंड उससे पहले कैमरामैन को हमारे ढूंढते हैं और फिर वो सेटअप कर देगा ट्राइपॉड और फिर करेंगे हमारी निशांक का रिव्यू। और ये देखो हमारा कैमरामैन तो यहाँ पड़ा हुआ है, आप लोगों को कैसे दिखाएं टॉप डाउन व्यू से। गन भाई आ जा, क्या कर रहा है? ये बस एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, शूज लेने में जो शूज ऑर्डर कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ ऑर्डर? कैश करो यूज कर रहा है ना? हाँ भैया ऑब्वियसली। दोस्तों वैसे ही कोविड टाइम चल रहा है तो शॉपिंग करने के लिए बाहर क्यों जाए जब आपको अजियो पर ही अप टू 50-80% का ऑफ मिल सकता है तो। और गाइज आपको यहाँ पर 3500 साइज के कपड़े मिलेंगे और वो भी 2000 से ज्यादा ब्रांड्स में चूज करने का ऑप्शन भी, और आप इसी शॉपिंग पर 10% का कैशबैक भी कमा सकते हैं जो कि आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैश करो लिंक पे क्लिक करें और वहां से अजियो पे जाएं। एंड गाइज जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप लिंक पर साइन अप करोगे तो साइन अप करते ही आपको मिलेगा 25 रुपीज का साइनिंग अप बोनस, जिसको भी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाकर कैश करो ऐप डाउनलोड करके मेरा कोड TAKYA25 यूज करके 25 रुपीज का साइन अप बोनस कमा सकते हैं। और गाइज कैश करो पे आपको 1500 से ज्यादा रिटेलर्स मिलेंगे जिसपे आप कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक की शॉपिंग करके उस पर कैशबैक कमा सकते हैं। और अगर आपको भी अजियो पे कैशबैक कमाना है तो कैश करो ऐप में जाकर सर्च बॉक्स में अजियो टाइप करें और ऑरेंज बटन दबाएं, कैश करो हमें खुद अजियो पे रिडायरेक्ट कर देगा, फिर आप आराम से अजियो से शॉपिंग करो। और गाइज शॉपिंग खत्म होने के बाद जब आप अपने कैश करो ऐप के माई अर्निंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर आपका 10% कैशबैक मिल गया होगा जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये कैशबैक कैश ऑन डिलीवरी में भी अवेलेबल है। दोस्तों तो आप भी एक नहीं दो नहीं 10% का कैशबैक कमाओ घर बैठे बैठे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर। सो गाइज अभी आप देख रहे होंगे कि टेबल पे काफी सारी चीजें मौजूद हैं, तो जब मैंने अपनी रिवॉल्वर खरीदी थी तब मैंने ये सारी चीजें एक साथ ली थी। ये चीज बस ये मेरे लाइसेंस का कवर मैंने बाद में ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि इसको लेके भी बहुत सारे सवाल आते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली दिस इज द निशांक मार्क 1 एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने मार्क 1 देखी है IOF की, मैंने मार्क 2 देखी है, मार्क 3 देखी है, मार्क 4 देखी है, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है इतनी इम्प्रेसिव है कि मतलब आई एम अमेज्ड। एंड इट इज़ अ 2021 मॉडल एंड फॉर सेफ्टी एंड प्राइवेसी रीजंस मैंने इसके नंबर पे ये काली टेप लगा दी है अभी टेम्परेरीली, हम बाद में उतार देंगे, पर इसका बहुत ही फैंसी नंबर है 1947, एंड का 1947 है, विच इज अ वेरी स्पेशल नंबर फॉर अस इंडियंस क्योंकि उस सन में हमें आज़ादी मिली थी। वेरी ब्यूटीफुल वेपन, काफ़ी हल्का वेपन है। ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि ये वेपन खाली है। एंड पहले हम थोड़ी सी गन सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कभी भी कोई भी इंडियन, अगर मैंने जो नोटिस करा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कभी भी कोई इंडियन अपने हाथ में किसी की गन पकड़ता है, कोई टॉय गन भी पकड़ता है, हम लोग हमेशा अपनी गन को ऐसे पकड़ लेते हैं ऐसे। ये ह्यूमन नेचर है या फिर हम जो मूवीज वगैरह इसमें से देख के सीखते हैं, हम हमेशा गन को यूं पकड़ लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमेशा आप गन को ऐसे पकड़ें। एंड मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हैं तो आप प्लीज़ कोई फायर आर्म हैंडल ही ना करें, आप कोई वेपन पकड़े ही ना, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखें, उसकी सेफ्टी लॉक कहाँ से, सेफ्टी मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, और उस वेपन के बारे में थोड़ा सा जानें, थोड़ा सा रिसर्च करें, फिर उसको हैंडल करें। एंड अगर आप एक लाइसेंस वेपन होल्डर हैं, मैं तो रेकमेंड ही नहीं करता अपना फायर आर्म आप किसी भी इंसान के हाथ में दें, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका कोई मतलब फादर मदर बच्चा भाई बहन दोस्त, किसी के भी हाथ में अपना लोडेड या अनलोडेड फायर आर्म कभी भी नहीं देना चाहिए। सेकेंडली मैं ट्रिगर डिसिप्लिन की बात कर रहा था कि ये होता है ट्रिगर डिसिप्लिन, वेन एवर यू होल्ड अ फायर आर्म हमेशा आप उसको लोडेड है अनलोडेड है ऐसे ही पकड़ें। एंड लास्टली अगर आप फायर कर रहे हैं, आप रेंज पे हैं, आप फायरिंग कर रहे हैं, तो आप जब एम ले लें और उसके बाद अपनी सेफ्टी हटाएं और उसके बाद अपना ट्रिगर पे उंगली रखें, उससे पहले बिल्कुल भी उंगली हमेशा यहाँ रखें, यहाँ नहीं ट्रिगर गार्ड पे नहीं रखें, यहाँ नहीं रेस्ट करें, हमेशा यहाँ ऊपर रखें ताकि एक्सीडेंटल फायर्स का कोई चांस ही ना रहे। क्योंकि एक्सीडेंटल फायर्स आप देखेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लोग खुद को गोली मार लेते हैं, लोग दूसरों को मार देते हैं, तो विच इज़ अ वेरी बैड थिंग।
तो थोड़ा सा ये गन सेफ्टी के बारे में होगा। और मैंने जैसा आपको बता रहा था कि कभी भी किसी इंसान, किसी जानवर या जिस भी चीज़ में आप नहीं चाहते छेद हो उसकी तरफ बैरल पॉइंट ना करें। ऑलवेज ट्रीट अ गन एज इफ इट्स लोडेड। कभी भी सेलिब्रेटरी फायर ना करें, क्योंकि अब आर्म्स एक्ट 2016 के बाद रूल भी आ चुका है, आप अरेस्ट हो सकते हैं, आप पे आर्म्स एक्ट लग सकता है। उसके अलावा ब्रैंडिशिंग ऑफ गन्स पे भी अब बैन लग चुका है, मतलब कि कई लोग शादी ब्याह में भी गन ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे वेव करते रहते थे, तो आप वो भी नहीं कर सकते, उस पर भी बैन है। एंड 2019 के बाद भी कई सारे चेंजेस आए हैं, तो वेपन्स अब 3 से 2 हो गए हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप सिर्फ कंसील्ड कैरी कर सकते हैं, मतलब कि पहले कई लोग मैंने देखा था कि अपनी सीधा वेपन अपने डब में डाल के, डब से मतलब कमर में डाल के सीधा चल पड़ते थे, अब आपको हमेशा इसको एक होल्स्टर में रख के ही आप अपना वेपन बाहर लेके घूम सकते हैं। एंड अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो इसको आपको कंसील कैरी करके ही रखना पड़ेगा, आपका वेपन दिखना नहीं चाहिए पब्लिक को। एंड क्योंकि ऑब्वियसली वैसे भी कोई भी वेपन अगर किसी के पास होगा तो वो क्यों चाहेगा किसी को दिखे, अनलेस वो शो ऑफ वगैरह करने के लिए, दिखाने के लिए लगा के घूम रहा हो। पर ये वेपन अगर आपके पास है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर आप पे कोई अटैक भी करता है तो अगर उसको पता है कि आपके पास वेपन लगा हुआ है तो सबसे पहले वो उसको छीनेगा या उस पर अटैक करेगा। तो इसलिए कभी भी आप अगर वेपन अपना पब्लिक प्लेस में भी लेके घूम रहे हैं तो हमेशा इसको कंसील करके रखें, जिससे पब्लिक को भी ना दिखे ये, एंड अगर आप पे कोई अटैकर हमला करने लगा है तो उसको भी ना दिखे। एंड ऑब्वियसली हमारे में यहाँ पर गन्स एक टैबू है इंडिया में, अगर किसी के पास लाइसेंस्ड वेपन भी है कोई सेल्फ डिफेंस कैटेगरी का भी, तो भी अगर उसकी गन दिख रही है पब्लिक में या कुछ, तो लोग बहुत ऐसे एक अजीब नज़र से देखते हैं कि ये तो कोई जैसे गुंडा होगा, बदमाश होगा, ऐसे करके देखते हैं। तो ये गन्स आर अ वेरी बिग टैबू इन द कंट्री राइट नाउ, पर धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, धीरे धीरे आ रही है, लोगों को भी समझ आ रही है, एंड वी आर इवॉल्विंग। एंड गन्स को लेके धीरे धीरे आई होप हम एक दिन टैबू खत्म करें एंड एक दिन लाइसेंसेस लेना आसान होए, गन सेफ्टी की ट्रेनिंग हो सबको एंड गन लॉज थोड़े से और लीनियंट हो, ताकि हर किसी को एक लाइसेंस मिल पाए। तो ठीक है, अब बहुत होगी सेफ्टी वगैरह की बात, थोड़ा सा मैं रिवॉल्वर पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेन आप लोग इसके बारे में ही जानने के लिए वो कर रहे होंगे। सो दिस इज द निशांक मार्क 1 एज यू कैन सी, एंड ये 0.32 कैलिबर में है। ये एक टॉप ब्रेक रिवॉल्वर है, मतलब कि इसका जो सिलेंडर है उसमें आपको बुलेट्स डालने के लिए, ये ऊपर से ऐसे खोल के यहाँ से आप बुलेट्स डालेंगे इसमें। कई रिवॉल्वर साइड लोड भी होते हैं उसमें, ये आप नोटिस करते हो मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, साइड से चेंबर ऐसे खुलता है और फिर आप यहाँ से बुलेट्स डाल सकते हो। ये IUF ने वेबली स्कॉट मार्क 4 की कॉपी करके बनाया हुआ है, जो ये बेसिक ये रिवॉल्वर है, मतलब मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, निशांक, अनमोल, एंड अब एक नया रिवॉल्वर भी आया है प्रहार। तो ये सारे बेसिकली वेबली स्कॉट की एक चीप कॉपी हैं, पर मार्क 1 से लेकर मार्क 4 से ये निशांक बहुत ही ज़्यादा बेटर है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, पेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर मार्क 4 और उसके प्रीडिसेसर मॉडल से सबसे बहुत ही ज़्यादा बेटर है। एंड सीरियसली आई वॉज अमेज्ड विद द क्वालिटी। इसका ट्रिगर पुल काफ़ी हल्का है। अब इसमें इन्होंने क्या करा है कि गामा स्प्रिंग लगा दिया है, विच इज़ मच लाइटर, क्योंकि कई लोगों से प्रॉब्लम आती थी मार्क 1 से मार्क 4 तक जो यूज़र्स थे रिवॉल्वर के, उनको बहुत कंप्लेंट होती थी कि बहुत ट्रिगर हैवी है। उसमें क्या होता था, जब आप एम ले लेते हैं और उसके बाद जब आप ट्रिगर प्रेस करने लगते हैं तो आपको इतनी जान लगती है कि आपकी गन ऐसे हिल जाती है एक बार, तो वो एम भी थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। पर इसका बहुत ही लाइटर है ट्रिगर पुल उन सबसे, पर इंटरनेशनल जो वेपन्स है, जो इम्पोर्टेड वेपन्स हैं, उन जितना लाइट नहीं है, जैसे स्मिथ एंड वेसन जितना लाइट नहीं है, वेबली स्कॉट जितना लाइट नहीं है, पर एज़ कम्पेयर टू द प्रीडिसेसर मॉडल्स बहुत ही लाइट है। इसमें गामा स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से। एंड गाइज यहाँ पर इसकी सेफ्टी है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर अभी आप एस देख रहे हैं, मतलब गन सेफ मोड में है, एंड जब हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे एफ, एफ का मतलब फायर। तो अब ये गन फायर करने के लिए रेडी है सेफ मोड पे। इसका ये हैमर भी कॉक नहीं होगा, एंड फायर पे इसका हैमर आप देख सकते हैं कॉक हो जाएगा। एंड ये मेरे पर्टिकुलर रिवॉल्वर में ही प्रॉब्लम है कि मेरा ये हैमर बहुत ज़्यादा हैवी है, मैंने इसमें WD-40 भी डाला, बाकी निशांक रिवॉल्वर्स में नहीं है ये प्रॉब्लम, मेरे पर्टिकुलर वाले में ही है। तो मुझे एक बार इसको खोल के चेक करना पड़ेगा कि अंदर कौन सा स्प्रिंग ज़्यादा टाइट हो रखा है, उसको थोड़ा सा लूजन अप करना पड़ेगा। एंड इसको हैमर को हम वापस कर देते, देख लीजिए कितना हैवी हो रखा है वो, कि एकदम से वो वापस जाने की कोशिश करता है और एकदम से, मतलब वैसे निशांक एक थम से आराम से ऐसे हो जाता है कॉक, पर मेरे वाले में थोड़ी सी ज़्यादा जान लगती है। तो इसको मैं एक बार ठीक करूँगा खोल के। एंड गाइज मुझे इसकी सेफ्टी बहुत ही कन्वीनियंट लगती है, मतलब कि अगर आप एम भी ले चुके हैं तो आप आराम से इसको ऐसे फायर पे करके आराम से आप शूट कर सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंटली प्लेस्ड है। एंड मुझे एक चीज़ जो पसंद है, जो वेबली स्कॉट में मुझे नहीं पसंद, ये एक आर्क है यहाँ पर, इसमें आप आराम से अपना देखिए ये हैंड ऐसे रेस्ट कर सकते हैं। वेबली स्कॉट में ये नहीं होता, एकदम ऐसे प्लेन होता है। जो मार्क 4 जो इंडिया में भी लॉन्च हुई है उसमें भी ये चीज़ नहीं है,
तो एक तरीके से रिकॉइल उसका थोड़ा सा ज्यादा है, इसका आप हल्का सा आप ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं इसको, अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो इसमें आपको शूट करने में थोड़ी सी ज्यादा आसानी होगी। ऑब्वियस उसका ट्रिगर लाइटर है तो उससे आपका निशाना बेटर लगेगा एंड उसकी बिल्ड क्वालिटी इससे हल्की सी बेटर है। पर जब मैंने लिया, मेरे पास जो परचेज परमिशन थी उसका 6 मंथ्स का टाइम था एंड मुझे कहीं भी वेबलेस स्क्वाड लॉन्च होती हुई नहीं दिख रही थी, तो इसलिए आई परचेज दिस वेपन। पर उस पर हम बाद में आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने निशान क्यों लिया एंड मैं इसके बाद किस चीज पे अपग्रेड करूंगा। अब बात करते हैं इसके पेंट के बारे में। तो इसमें ये इन्होंने कोई रबराइज्ड कोटिंग करी है इसमें, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीडेसेसर मॉडल्स। मेरे को इसकी पेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद है उन सबसे, जैसे पुराने आप मार्क 4 वगैरह देखो उसमें दाने 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 दिखते हैं, इसमें भी दिखते हैं पर ऐसे आपको फील नहीं होंगे, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, दाने दाने आपको नहीं दिखेंगे और आप टच करोगे तो रिवॉल्वर पूरा स्मूथ है एंड ये कोटिंग काफ़ी इंप्रेसिव है। इम्पोर्टेड रिवॉल्वर्स अगेन मैं आपको बोलूंगा ये कंपेयर नहीं कर सकते हम इसको, जैसे कि आप यहाँ पर इसके सिलेंडर पर देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी फायर करने के बाद ये यहाँ से देखिए यहाँ से ये उड़ जाता है ये पेंट। तो आप अगर इसको प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे, अगर आप मेरी तरह जाकर रेंज पे फायरिंग करते हैं तो आई एम श्योर यहाँ से और इन सब जगहों से आपका ये पेंट उतर जाएगा। उसके बाद आप इस पर निकल कोटिंग करवा सकते हैं या फिर आप ब्लूइंग वगैरह जो सब करवाते हैं वो करवा सकते हैं, पर वो भी थोड़े टाइम में उतर ही जाती है, वो बार बार कराते रहनी पड़ती है। तो ये मुझे एक हल्का सा इसका ड्रॉबैक लगा। एक मेरे को ये प्रॉब्लम लगी कि मेरे वाले रिवॉल्वर में जो ये प्रॉब्लम है, पर ये रेक्टिफाई हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगी निशांक के बारे में कि इसकी जो मार्क क्षमता है मतलब कि इफेक्टिव रेंज वो बहुत बढ़ा दी गई है, पर इसमें स्टिल मुझे भी एक कंफ्यूजन है। कहीं कहीं जगह कंपनी ने 25 मीटर क्लेम किया है, कहीं कहीं जगह 50 मीटर किया है, तो मैं पर्सनली बोलूंगा इसकी रेंज इफेक्टिव रेंज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड इफेक्टिव रेंज। रेंज का मतलब ये है कि कितनी दूर तक गोली जाती है, वो तो ये गोली 200 मीटर तक भी चली जाएगी, पर इफेक्टिव रेंज का मतलब ये है कि जिस मकसद से गोली चलाई गई है वो अपना मकसद पूरा करिए, मतलब कि एक तरह से आप किलिंग रेंज बोल सकते हैं या स्टॉपिंग पावर बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी को सेल्फ डिफेंस में ये गोली चलाएंगे तो आप चाहेंगे कि वो जो आपके ऊपर अटैकर है वो रुके, तो वो उसको इफेक्टिव रेंज बोलते हैं। तो आई थिंक 25 से 35 40 50 बीच में कहीं है इसकी रेंज, पर मार्क 4 मार्क 3 मार्क 2 मार्क 1 इन सबसे बहुत ज़्यादा है। पर एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, इन्होंने इसका बैरल लंबा करा है एंड ये ऐसे गोला यहाँ पर अलग से छोड़ दिया, इन्हें यही डिज़ाइन जो ये चल रहा है यही आगे तक कंटिन्यू करके रखना चाहिए था। ऑब्वियसली इस बैरल की वजह से इसकी इफेक्टिव रेंज बढ़ी है 50 मीटर्स जो कंपनी क्लेम करती है, 25 से 50 वो इसी की वजह से हुई है ये एक्सटेंड करने की वजह से। पर अब जो नया मॉडल आया है इसके बाद प्रहार, जब मैं ये गन ले चुका था उसके बाद आया है वो, उसमें क्या है उसमें भी ये लाइटर ट्रिगर है, उसमें इसकी सारी खूबियां हैं पर उसमें वो यहीं तक है, उसका बैरल उसमें ये चीज़ नहीं है, उसका बैरल छोटा है, पर उसकी भी कंपनी क्लेम करती है कि 50 मीटर्स तक इफेक्टिव रेंज है। अभी तक मैंने इसको कंपेयर नहीं करा, मैं इसको अभी मार्क 1 से मार्क 4 तक कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि वो वेपन्स मैंने देखे हैं यूज भी किए हैं तो मैं उनको इससे कंपेयर कर सकता हूं। अभी प्रहार मैंने हाथ में पकड़ के भी नहीं देखी, सो आई कांट कंपेयर दैट विद दिस। पर ऑल इन ऑल बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, अभी ये धीरे धीरे लोग मार्क 4 वगैरह से उठ के इस पे आने लग गए हैं एंड आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड विद IUF कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग कर दी। अब इसमें आप देखिए वुडन ग्रिप्स से कंपनी से ही आ रहे हैं, पर इसमें भी मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि ये वुडन ग्रिप्स IUF और बेटर बना सकती थी थोड़ी सी R&D करके, क्योंकि ये देखिए आप ये हिलते रहते हैं, आप आई डोंट नो कैमरा इसको कैच करेगा नहीं करेगा, ये देखिए ये हिलते रह रहा है, जब भी आप इसको पकड़ते हैं तो हल्की सी एक आवाज़ सी आती है और मैं गन बहुत टाइट पकड़ता हूँ तो वैसे ही ग्रिप एक बार ये सेट होती है थोड़ी सी हिलती है, तो एक ये मुझे छोटी सी प्रॉब्लम लगी इसमें। प्लस अब इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। द वेट ऑफ द रिवॉल्वर इज 710 ग्राम्स विदाउट बुलेट्स, खाली रिवॉल्वर की 710 ग्राम्स का वेट है एंड गाइस द टोटल लेंथ ऑफ द रिवॉल्वर इज 7.43 इंचेस एंड बैरल का लेंथ है 3.43 इंचेस। तो बैरल थोड़ा सा एक्सटेंड जैसे मैंने अभी बताया किया गया है मार्क क्षमता बढ़ाने के लिए। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा परचेज है, थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है वेपन, जैसे कि आपको पता है इंडिया में ये सारे फायर आर्म्स ओवर एक्सपेंसिव और ओवर प्राइज्ड रेट्स पे बिकते हैं, मतलब कि अगर आप ऐसी क्वालिटी का रिवॉल्वर कहीं और किसी कंट्री में लेने जाए तो आपको 5-7-10 हज़ार के अंदर अंदर मिल जाएगा, पर इंडिया में आपको ये रिवॉल्वर मिलता है 1 लाख से 1 लाख 15 हज़ार तक, डिपेंडिंग आप कौन सी सिटी में हैं और आपके सिटी के टैक्सेस कैसे हैं और आपका गन हाउस वाला आपको कितने का ये देता है, तो उन पर भी डिपेंड करता है ये थोड़ा। एक जो चीज़ मुझे मार्क 4 में ज़्यादा पसंद है, एक तो उसका ये वाला डिज़ाइन इसका थोड़ा सा ये अजीब लगा मुझे, प्लस उसकी साइट, इसकी फ्रंट साइड बहुत ही मुझे फनी लगी, मार्क 4 की जो है फ्रंट साइड और प्रहार वगैरह में भी बहुत डिफरेंट है, वो बहुत अच्छी लगती है एंड इट इज़ वेरी इजी टू एम विद दैट। इसके साथ जो पीछे की इसकी रियर यू साइट है और इसके साथ थोड़ा सा एम करना मुश्किल है, पर ठीक है धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप यूज टू हो जाते हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक बार गन के नंबर पर हाथ रख लूँ, यहाँ लिखा है सत्यमेव जयते एंड हमारा नेशनल एम्बलम बना है,
जो कि बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है किसी नौसिखिए कारीगर ने जब एचिंग करी है इस पर, तो बहुत ही अजीब, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर करेगा इतना जूम करके कि नहीं, हमारा नेशनल एम्बलम इतना अजीब सा बना दिया है, जो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसे मार्क फोर और इन सब पे और प्रहार वगैरह पे जो नेशनल एम्बलम है वो इससे बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का एंड पूरा सुंदर मतलब प्रॉपर नेशनल एम्बलम लगता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बस किसी बच्चे ने हाथ से ड्राइंग कर दिया है, तो ये मुझे बहुत ही एक अजीब चीज़ लगी। आई डोंट नो ये मेरे रिवॉल्वर पे या हर निशांक पे, अगर कोई और निशांक के ओनर ये देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका भी जो ये नेशनल एम्बलम बना हुआ है ये ऐसा ही है, क्योंकि मार्क फोर वगैरह पे ये बहुत ही सुंदर एक एक्यूरेसी के साथ बना हुआ है, यहाँ ये थोड़ा सा अजीब बना हुआ है। एंड एक चीज़ और मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, जितने भी हमारे टॉप ब्रेक रिवॉल्वर्स हैं इसके ओनर्स क्या करते हैं कि जब इसको बंद करते हैं, आपने गोलियां लोड कर ली, आप इसको बंद करेंगे तो कई लोग सीधा ऐसे धक्का देके ना, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये निशान पड़ जाता है, कई लोग ऐसे सीधा इसको बंद कर देते हैं। अब मुझे ये अपने रिवॉल्वर के साथ करते हुए इस वक्त इतना दर्द हुआ है ना, आपको मैं बता भी नहीं सकता। कभी भी इसको ऐसे ना करें, विद टाइम आपकी ये चीज़ ढीली हो जाएगी एंड ये टूट जाएगी, फिर उसके बाद आप ये नई तो लगवा लेंगे आपको इजीली मिल जाएगा, पर क्या होगा कि जब आप अपने वेपन फायर करेंगे तो 3-4 फायर के बाद हो सकता है ये चीज़ ऐसे खुल जाए, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप इसको बंद करें, हमेशा बंद करने से पहले इसको धक्का दें यहाँ और इसको ऐसे छोड़ दें। अपने रिवॉल्वर को प्यार से रखें, बहुत ही तमीज से रखें, अपने शस्त्र की आप इज्जत करेंगे तो ये आपकी इज्जत करेगा हमेशा। और भाइयों एक और चीज़ इसमें बहुत जो मैंने नोटिस करी, जैसे मार्क 4, 3, 2, 1 सब में, जब भी मैं मार्क 4 की बात करूंगा इस, तो आप समझ जाइए कि मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, उससे पुराने मॉडल्स की भी, सब में एक इशू था, ये नट्स ना विद टाइम लूज हो जाते थे और रिवॉल्वर ऐसे छन छन बजने लगता था, पर एज यू कैन सी ये बिल्कुल टाइट है, कसा हुआ है। एंड निशांक में ये जो नट्स हैं इनको इम्प्रूव किया गया है और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता ये विद टाइम, अगर मैं सालों साल भी इसको यूज़ करूँ तो ये कहीं जाने वाले हैं। और अगर आपके पास मार्क 4 वगैरह हैं तो आप अपने पसंद के गन हाउस पर जाकर उनको रिप्लेस करवा कर बेटर नट्स लगवा सकते हैं, ताकि इसकी अलाइनमेंट पक्की रहे और फायरिंग के टाइम पर इश्यूज ना आए, क्योंकि अगर ये बैरल और सिलेंडर का चेंबर अलाइन नहीं होंगे तो फायरिंग में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। देखो इंडियन चीज़ है गाइज, कहीं कहीं इट इज़ रफ अराउंड द एजेस, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, आप इधर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये मेरी प्रॉब्लम थी, लेफ्ट थंब से मेरे से एक हाथ से हुआ ही नहीं, मेरे को ये दूसरा लगाना पड़ा, राइट से मैं फिर भी कर लेता हूँ क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ। आप यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, थोड़ी सी रफ अराउंड दी एजेस है यहाँ पर आई थिंक दिक्कत क्या है कि IUF के पास कॉम्पिटिशन ही नहीं है एंड कोई और अभी मार्केट में है नहीं, जस्ट एक ही कॉम्पिटिटर उनका है, वेबली स्कॉट। तो अब धीरे धीरे जब ग्लॉक भी आ जाएगा, सब ये आ जाएंगे, वेबली की पिस्टल भी आ जाएगी, तो तब जब IUF के ऊपर प्रेशर होगा ना, तब उनकी मोनोपली नहीं होगी, तो तब उनको प्रेशर में आकर और अच्छे वेपन्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बी अलाइव एंड आगे आगे जाकर बहुत ही बढ़िया बढ़िया वेपन्स आने वाले हमारे देश में, आपको ऐसे ऐसे वेपन ओन करने का मौका मिलेगा, ग्लॉक वगैरह, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप अपने फायर आर्म को खाली ना चलाएं, 2-3 बार भी ना चलाएं, एक बार ही चलो, मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। ट्रिगर पुल सिर्फ इसका आप देख सकते हैं, ट्रिगर पुल कितना आसान है डबल एक्शन में, बहुत ही ज़्यादा आसान है, और सिंगल एक्शन में थोड़ा सा ये मेरे को रफ लगता है, ये मेरा पर्सनल रिवॉल्वर थोड़ा रफ है, और सिंगल एक्शन में भी इट इज़ वेरी इजी टू फायर। कभी भी अपना वेपन खाली ना चलाएं, मैंने सिर्फ इस वीडियो के पर्पस के लिए खाली चला के दिखाया है, अगर आप अपना वेपन खाली चलाएंगे तो ये फायरिंग पिन आपका यहाँ पर डैमेज हो सकता है। और गाइज मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की बैरल मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है, किसी भी तरह की आप परमानेंट मार्किंग अपने रिवॉल्वर पे नहीं कर सकते या पिस्टल पे, किसी भी वेपन पे नहीं कर सकते, ये सब आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल हैं। तो किसी भी तरीके की आप कभी बैरल मॉडिफिकेशन रिवॉल्वर में तो वैसे कोई करवाता नहीं, शॉटगन्स में लोग कई बार करवा लेते हैं, बैरल छोटा करवा लेते हैं, तो वो सब चीज़ें बैंड हैं, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम सच मॉडिफिकेशंस। एंड ग्रिप्स वगैरह ये छोटे मोटे मॉडिफिकेशन जो रिवर्सिबल हैं आप वो करवा सकते हैं, नॉट एन इशू, कोटिंग्स वगैरह भी ठीक है चल जाती हैं, पर बैरल मॉडिफिकेशंस कभी ना करें, और अपने रिवॉल्वर पे या अपने वेपन पर कभी कोई परमानेंट मार्क ना लगाएं, जैसे किसी का नाम, जैसे मेरा ए से शुरू होता है तो कोई ए बना ले तो दैट इज इलीगल, यू कैन नॉट मार्क योर वेपन। और गाइज मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग कंसील कैरी करना चाहते हैं तो ये वेपन उसके लिए है ही नहीं बिल्कुल भी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंसील कैरी, ये बहुत ही बड़ा वेपन है, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा वेपन है। एंड अगर आप कंसील कैरी करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड आप मार्क 4 या फिर प्रहार लें, पर वो भी काफ़ी मुश्किल है। रिवॉल्वर देखो इन जनरल ज़्यादा मुश्किल होता है कंसील कैरी करने में, क्योंकि उसमें ये सिलेंडर होता है, ये बहुत थिक होता है। पिस्टल ज़्यादा आसान होती है कंसील कैरी करने में, कंसील कैरी का मतलब छुपा कर कैरी करना,
कंसील कैरी करने में पिस्टल ज्यादा आसान है, मैं इजीली कैरी कर लेता हूँ अपनी टी शर्ट के अंदर टक इन वगैरह करके साइड में लगा के, बिल्कुल इतनी दिखती नहीं है। पर अगर किसी को दिक्कत होती है रिवॉल्वर को कंसील कैरी करने में, वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की RFI मार्क टू पिस्टल ले सकता है, वेरी गुड पिस्टल, इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आई एम पर्सनली अ रिवॉल्वर पर्सन, ठीक है, अगर पिस्टल होनी चाहिए तो फिर वो कोई ग्लॉक वगैरह ऐसी कोई इंपोर्टेड होनी चाहिए। अशानी मार्क टू इतनी दिखने में सुंदर नहीं है और मुझे इतनी मतलब भाई नहीं एक तरीके से, तो इसलिए मैंने वो नहीं ली, मैंने रिवॉल्वर लिया। थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट है कंसील कैरी करना, पर ठीक है अगर कोई बहुत ही पतला बंदा है तो वो कर लेगा इसको, पर जैसे मैं थोड़ा सा भाई हट्टा कट्टा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये गन दिखेगी दिखेगी अगर इसको साइड में ही आप लगा के चल सकते हो, अगर आप आगे वागे कहीं भी लगाओगे ये इसका हैंडल पब्लिक को दिखेगा ही दिखेगा। तो एक ये छोटा सा पॉइंट टू भी नोटेड है, जब भी आप वेपन खरीदना लगें तो एक बार इसको लगा के देखें और कंसील कैरी करके देखें, रिवॉल्वर को भी और पिस्टल को भी खरीदने से पहले बैठ के देखें। गाड़ी में भी एक बार अगर आपका गन हाउस वाला अलाउ करे साथ जाके, गाड़ी में भी बैठ के एक बार देखें कि आप इसके साथ ड्राइव कर सकते हैं, और इजी टू कंसील होना चाहिए आपका वेपन। पर अब धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई है तो मैं इसको डेली कैरी में कंसील कर लेता हूं। मतलब इशू है पर इतना भी बड़ा नहीं है, अब आदत हो गई है। सो गाइस ठीक है, 115,000 की प्राइसिंग में ठीक है, मैंने ये गन अभी बस टेम्परेरीली खरीदी हुई है, मतलब कि मैं इसको थोड़े टाइम में बेच दूंगा एंड आई विल अपग्रेड टू अ ग्लॉक। एंड मैंने CMTPL की वेबसाइट पर अपनी ग्लॉक के लिए फॉर्म भी फिल कर दिया है। मुझे पता है अभी एक दो साल तक तो वो लॉन्च नहीं करेंगे, ऑब्वियसली कोविड वगैरह की वजह से वेबले भी डिले हो गई है, तो ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 3 साल तक ग्लॉक आएगी, पर मेरा फॉर्म फिल होके वहाँ पर रखा हुआ है तो हम इसके बाद ग्लॉक पे अपग्रेड करेंगे। तो ठीक है 2-3 साल चलाने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड वेपन, इसके बाद आप ग्लॉक पे अपग्रेड कर सकते हो। अब आप लोग ये पूछ रहे हो कि भैया आप कोई स्मिथ एंड वेसन ले लेते या फिर आप कोई अर्मेनियस ले सकते थे या फिर 3-4 लाख में और भी ऐसे अच्छे अच्छे आ जाते हैं। स्मिथ एंड वेसन ऑब्वियसली थोड़ी सी महंगी आएगी, पर आप आर्मेनियस ले सकते थे, 3-4 लाख में आर्मेनियस मिल जाती है, और भी कई रिवॉल्वर के ऑप्शंस थे तो आपने वो क्यों नहीं ली। सो गाइज इंडिया में आई थिंक 1986 के बाद इम्पोर्ट्स बैन हो गए थे वेपन्स के, उसके पहले के वेपन्स हैं सारे, मतलब अगर किसी के पास स्मिथ एंड वेसन है या फिर कुछ है तो वो सारे पहले के वेपन्स हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं वेपन खरीदूँ और मैं 50 साल 60 साल पुराना वेपन खरीदूँ, मुझे एक नया फ्रेश वेपन चाहिए था। कई ये वेपन है जो 1986 के पहले हैं पर यूज ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे ऐसे क्वालिटी के वेपन गन हाउसेस पे मिल जाते हैं कि जिनसे एक बुलेट भी कभी फायर नहीं हुई, पर वो मिलते हैं 15 लाख के 20 लाख के, ऐसे ऐसे। मैं इतना पैसा एक वेपन पे नहीं खर्चना चाह रहा था। आपको ब्रेटा वगैरह भी मिल जाती है 15 से 20 लाख के अंदर, आपको ब्रेटा के कई सारे मॉडल्स मिल जाते हैं, चीता भी मिल जाती है 0.32 में, टॉम कैट भी मिल जाती है, तो वो सारे ऑप्शंस भी थे, मैंने देखे भी पहले, मैंने सोचा, पर मुझे लगा नहीं था कि 15 लाख रुपये इतना वर्थ है, क्योंकि 3 साल बाद जब ग्लॉक ही आ जाएगी इंडिया में तो वो 15 लाख की मैं 5 लाख की भी नहीं बेच पाऊंगा, तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था। एंड मुझे इतना पुराना वेपन चाहिए नहीं था। एंड एक 1986 के बाद भी आपको एडवांस वेपन्स मिल जाएंगे, वॉल्थर पीपी के वगैरह मिल जाएंगे, पर वो क्या होता है, वो शूटर्स जो हैं अपने प्राइवेट इंपोर्ट्स करते हैं, शूटर्स को अलाउड होता है वेपन्स इंपोर्ट करना, एंड उसके बाद जब वो 3 साल बाद यूज़ करके उसको सेल करते हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव सेल करते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत ही। जैसे अगर आप आज की डेट में एक ग्लॉक खरीदने जाएं तो आपको 25 से 35 लाख के बीच में मिलेगी, जैसे जो G25 मैंने बुक करी है, जो CMTPL की वेबसाइट पे मैंने अभी आपको बताया, तो वो इस वक्त मुझे 27-30 ऐसे लाख रुपये की मिल रही थी। मैं चाहता नहीं था इतना पैसा खर्चना, 3 साल रुकना मैं प्रेफर करूंगा और वो गन मैं 3 लाख रुपए की लेना प्रेफर करूंगा। यस गाइज 3-3.5 लाख के बीच में ग्लॉक्स इंडिया में आ जाएंगी, तो प्लीज़ इतने महंगे वेपन्स पे अभी पैसे ना वेस्ट करें। आई एम श्योर अब मेरे गन हाउस वाले सारे भाई मेरे को गालियां दे रहे होंगे, बट प्लीज़ इन सब वेपन्स पे इनका अलग चाम है। अगर किसी ने ब्रेटा लेनी है, ऑब्वियसली वो इंडिया में नहीं आ रही अभी, तो वो लेगा 15 लाख रुपए जो खर्चेगा वो लेगा, उसको ब्रेटा ही चाहिए होगी, पर मेरे को चाहिए ही ग्लॉक थी, तो इसलिए मैंने सोचा अभी 30 लाख रुपए खर्च करने से बढ़िया ये 1,15,000 की लेके 2-3 साल निकाल के फिर 3-3.5 लाख की ग्लॉक लेना बेटर है। चलिए अब मैंने रिवॉल्वर की भी बहुत बातें कर ली, मैंने अपने फ्यूचर कौन से गन पे अपग्रेड करूंगा उसकी भी बात कर ली, इसका भी रिव्यू छोटा मोटा आपको दे दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक्सेसरीज की, क्योंकि आप देख सकते हैं टेबल पर बहुत सारी एक्सेसरीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी, ये कवर है एज यू कैन सी फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर, ये कानपुर में बनी है, यहाँ भी इसका FGK का लोगो है, यहाँ IOF इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो ये सारे लोगोज हैं, IOF की फील्ड गन फैक्ट्री में बनी है कानपुर में। एंड ये इस गन का कवर है गाइस, सीरियसली मतलब कि प्रहार अगर आप देखें इतने सुंदर बॉक्स में आती है, पर निशान को पता नहीं क्यों IOF इसमें देता है, एंड आई हैव नो क्लू ऐसे इसमें लगी हुई आती है, और बहुत ही फ्लिम्जी सा कवर है। आई एम श्योर इसको बस कोई भी घर लाके बस एक कोने में फेंक देता होगा। प्लस ये होल्स्टर मिलता है आपको FGF की तरफ से, ठीक है डिसेंट होल्स्टर है,
पर इतना कोई स्टाइलिश नहीं है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे किसी पुलिस ऑफिसर का होल्स्टर है, तो थोड़ा मुझे इसलिए इसका लुक पसंद नहीं था। तो मैंने गन हाउस से ही ये वाला होल्स्टर खरीद लिया। ये टॉम कॉलिंस का है, रेड कलर का है, बहुत ही सुंदर। यहाँ आप 6 राउंड्स लगा सकते हैं साइड में, तो विच इज़ वेरी यूजफुल। एंड इसमें एक पिस्टल का भी मॉडल आता है, उसमें आप यहाँ पर मैगजीन डाल सकते हैं। एंड जो इसका क्लिप है वो भी बहुत बढ़िया है, मैं ये क्लिप से ही लगा के चलता हूँ, मैं इसको बेल्ट के अंदर से नहीं डालता, नहीं तो ये बेल्ट ख़राब कर देगा। और ये क्लिप विद टाइम आई नो ढीला हो जाएगा, पर ठीक है, 1500-1500 रुपये की आइटम है, आप इसको हर 3-4 महीने में 6 महीने में ले सकते हैं दोबारा। तो ये मैंने एक साथ खरीदा था, इसके ये साथ आया था। एंड एक चीज़ बहुत मेरे सवाल आते हैं, अगर मैं ये आर्म्स लाइसेंस मैं हमेशा अपनी पॉकेट में या फिर गाड़ी में कैरी करता हूँ, तो कोई भी देखता है पूछता है ये क्या है, पासपोर्ट है। तो जब वो पढ़ता है आर्म्स लाइसेंस, तो लोगों को बहुत ये फैसिनेटिंग लगता है कि आपने कैसे बनाया। गाइज, ये एक सिंपल पासपोर्ट का कवर है। आर्म्स लाइसेंस और पासपोर्ट 99.9% सेम साइज़ के हैं, ठीक है, तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। मैंने पहले अपना आर्म्स लाइसेंस को सोचा था लैमिनेट कराऊंगा, पर मुझे चाहिए थी फुल सेफ्टी, मैं नहीं चाहता था मेरी बुकलेट ख़राब हो और मुझे फिर वो हैसल गो थ्रू करना पड़े नई बुकलेट अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये कस्टम, आप ऑनलाइन अमेज़न वगैरह कहीं भी सर्च करेंगे पासपोर्ट कवर्स, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर इसमें कई सारी चीज़ें ये ऐसे ये सब लगाने के भी ऑप्शंस हैं, कुछ भी आप अपना नाम भी यहाँ लिखवा सकते हैं। तो मैंने इसलिए आर्म्स लाइसेंस यहाँ पर लिखवा लिया। एंड यही सेम कवर ऐसा मेरे पास मेरे पासपोर्ट के लिए भी है, उस पर अलग ये सब लोगोज़ लगे हुए हैं। इस पर मैंने एक बंदूक, इंडिया का झंडा और इंडिया ये सब लगवाया। तो बहुत सारे सवाल आते हैं इसके बारे में, आपको अमेज़ॉन पे आराम से एक गूगल सर्च पे पासपोर्ट बुकलेट कवर आप सर्च करेंगे, ये मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज, ये पाउच है, इसमें आप अपनी बुलेट्स कैरी कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी, अभी मेरे पास 25 बुलेट्स मैंने ली थी जब मैंने वेपन खरीदा था उसके साथ में, तो 6 इस होल्स्टर में लगी हुई हैं एंड 19 इधर हैं। एंड इससे ज़्यादा बुलेट्स आई डोंट थिंक आपको रखनी भी चाहिए। आप अगर रेंज पे भी जाते हैं तो आप मैक्सिमम 50 बुलेट्स तक चला के, बस उससे ज़्यादा और आप नहीं चला सकते। तो मतलब चला सकते हैं पर बंदा थक जाता है फिर इसके बाद। एंड बस ये बहुत सुंदर सा कवर है, लेदर का है। एंड ये मैंने गन एली से मंगवाया था, आप गूगल पे मंगवा सकते हैं इसको इजीली। बहुत ही इम्प्रेसिव कवर है, क्योंकि एक्चुअल अगर आपको मैं बताऊँ तो बुलेट्स आती हैं इस बॉक्स में, जो कि बहुत ही देसी सा बॉक्स है। आई एम श्योर मैं 3-4 दिन भी कैरी करता तो ये पूरा फट जाता। तो इसकी कार्ट्रिजेज ये आती हैं इसमें। एंड वैसे इसका प्राइस है 909 रुपये, पर अगर आप दिल्ली में इसको ख़रीदें तो आपको ये काफ़ी महंगी मिलेगी। बस मेरे को प्राइस याद नहीं, मतलब आई थिंक शायद 2100-2100 रुपये के आसपास, या फिर बताइए 1400-1500 रुपये के आसपास मिलेगी, मैं भूल गया ये इसकी प्राइसिंग क्या थी दिल्ली में। और अगर हम बात करें बुलेट्स की, तो इसमें ये बुलेट डलती है गाइज, ये 0.32 कैलिबर की स्मिथ एंड वेसिंग लॉन्ग बुलेट है। अगर ये पिस्टल की गोली होती तो ये थोड़ी सी छोटी होती, एंड उसको हम 0.32 ACP बोलते हैं, अमेरिकन कोल्ट पिस्टल। तो ये अमेरिकन पिस्टल्स के ऊपर और रिवॉल्वर्स के ऊपर ही नाम है इन बुलेट्स का। ये 0.32 स्मिथ एंड वेसिंग लॉन्ग है, एंड पिस्टल की होती है 0.32 ACP अमेरिकन कोल्ट पिस्टल। तो ये KF का कार्ट्रिज है, एज़ यू कैन सी KF का कार्ट्रिज है, ठीक है, इस रिवॉल्वर के लिए बहुत अच्छा कार्ट्रिज है। मैंने बड़ी कोशिश करी इंपोर्टेड कार्ट्रिजेस ढूंढने के लिए, पर अभी तक मुझे मिला नहीं है ये। तो किसी भी गन हाउस वाला कोई भी अगर मेरा भाई देख रहा है और आपके पास इंपोर्टेड कार्ट्रिजेस हैं, मुझे वैट कटर्स वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को इंपोर्टेड बुलेट्स चाहिए मैकटेक वगैरह की, तो अगर आपके पास वो हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि ये अगर मुझे पर्सनली लगता है कि KF का कार्ट्रिज, वैसे तो IUF के रिवॉल्वर में बढ़िया चलता है, पर अगर आपके पास कोई भी इंपोर्टेड रिवॉल्वर है, स्मिथ एंड वेसन वगैरह है, उसमें आप गलती से भी ये KF का राउंड कभी भी ना चलाएं। सो गाइज, ये गोली की बात थी। एंड इसमें कई टाइप की और भी गोलियाँ आती है, वैड कटर्स आते हैं, तो उसमें ये हिस्सा नहीं होता, उसमें बुलेट अंदर ही होती है, उसके ग्रेन्स थोड़े कम होते हैं तो उस गन की पावर थोड़ी कम होती है, शूटर्स प्रैक्टिस करने के लिए उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर मैकटेक की आती हैं बुलेट्स, और कई टाइप की आपको, मतलब इट इज़ जस्ट अ गूगल सर्च अवे, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैं एक बुलेट के बारे में ज़्यादा बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद ये केस के अलावा गाइज, हमने ये एक स्पीड लोडर लिया था। अगर आप रेंज पे जाते हैं तो ये स्पीड लोडर आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। सो गाइज, अगर आप रेंज पे बहुत शूटिंग करते हैं अपनी रिवॉल्वर से, तो आप ये 5-6 स्पीड लोडर्स लेके जाके अपने पास भर के रख सकते हैं। अभी ये आप देख सकते हैं, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये भी लॉक नहीं है, इसमें से बुलेट्स निकल जाएंगी। तो आप इसको ऐसे रख के एक बार बस इसको लॉक कर दीजिए, तो आप देखिए ये बुलेट्स लॉक हो गई, और आप इसको फिर आप ऐसे खोलेंगे तो सारी बुलेट्स बाहर आ जाएंगी। तो आप इसको लॉक करके रख के आराम से अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। एंड इसके साथ मैं चलो आपको एक बार गन लोड करके दिखा देता हूँ।
देखिए अभी ये बुलेट्स आपको दिख रहा है हिल रही हैं, तो जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा ये सारी टाइट हो गई, अब ये बुलेट्स बाहर नहीं आएंगी। आप ऐसे कैरी कर सकते हैं अपने साथ, 5-6 ये लेके जा सकते हैं। एंड आप देखिए इससे कितना जल्दी आप ना रिवॉल्वर लोड कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके पास, अभी मैंने गन मेरी सेफ पे है गाइस, फायर पे नहीं है, आप रेंज पे हैं, आपने फटाफट निकाला ये गोलियां, इजेक्ट करी और उसके बाद ये स्पीड लोडर अंदर डाला। सॉरी थोड़ा सा कैमरा के साथ वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड ये घुमा दिया, ये सारी आपकी गन लोड हो गई। जहाँ टाइम लगता 15-20 सेकेंड, वहाँ ये काम हो जाता है 5 सेकेंड में। आपने आराम से अपनी रिवॉल्वर लोड करी और आप दोबारा शूटिंग कर सकते हैं रेंज पे। उसके अलावा गाइज मैं सारे अपने रिवॉल्वर वाले भाइयों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जब भी आप अपना रिवॉल्वर लोड करें तो हमेशा ऐसे रखें उसको, 4 गोली आपके सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत है, ये 2 चेंबर हमेशा खाली रखें। अब इसका रीज़न क्या है, IUF की तरफ से तो हमें एक सेफ्टी मिल गई, ठीक है, पर इन केस कभी कोई अनफॉर्चुनेटली आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी और आपका वेपन किसी बच्चे के हाथ लग गया या किसी के हाथ लग गया जो नौसिखी है और उसने एकदम से अनलॉक भी कर लिया और ट्रिगर दबा दिया, तो सबसे पहला जो राउंड चलेगा वो ये वाला चलेगा, क्योंकि ये सिलेंडर घूमता है क्लॉकवाइज। तो जो पहला राउंड फायर करेगी गन वो इस चेंबर से होगा सिलेंडर के, एज यू कैन सी, तो ये खाली है। तो एक मौका मिल गया, आप उससे फटाफट गन छीन सकते हैं या कुछ भी। अब आप पूछेंगे ठीक है ये वाला तो खाली छोड़ दिया भैया, पर ये वाला खाली क्यों छोड़े? ये मैं पर्सनली इसलिए खाली छोड़ता हूँ कि अगर कल को आपकी रिवॉल्वर गिर गई, मुझे नहीं पता ये IUF में होता है या नहीं होता, पर अगर कल को आपकी रिवॉल्वर गिर गई ऐसे और ये दब गया ज़मीन पे लगने से या ये टूट गया दब गया, इस पे इतना पावरफुल इम्पैक्ट पड़ गया और पिन ने गोली के प्राइमर को इग्नाइट कर दिया और गोली चल गई, तो ये गोली गिरने के पे कहीं भी जा सकती है। तो इसलिए मैं ये 2 चेंबर इस सिलेंडर के खाली छोड़ता हूँ। ये वाला गिरने के चक्कर में अगर कभी रिवॉल्वर मेरा कहीं गिर गया और पिन दब गया और प्राइमर इग्नाइट हो गया और गोली चल गई, तो ये वाला चेंबर खाली हो, पिन जाए तो यहाँ किसी कोई बुलेट ना हो। ये वाला एक्सीडेंटल किसी के हाथ अगर कभी लग गया, तो ये आप ये सेफ्टी अपनी खुद की बना सकते हैं। आपके सेल्फ डिफेंस के लिए 4 गोली बहुत है, आप और अपने होल्स्टर में से निकाल के आप फटाफट लोड करके 2-2, 3-3 लोड करके भी सेल्फ डिफेंस के मौके पे यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये फायर वगैरह करने के बाद यहाँ का भी पेंट सारा उड़ जाता है, तो ये तो इसके साथ बट नेचुरल है। इसकी कोटिंग आप धीरे धीरे आप देखेंगे सिलेंडर की तो पूरी ही उड़ जाएगी और आगे बॉडी और बैरल पे से भी थोड़ी थोड़ी उड़ जाएगी। अब फटाफट इसमें से बुलेट्स निकाल लेते हैं और इसको करते हैं बंद। सो गाइज अब इसको भी साइड करते हैं, अभी आराम से इनको संभाल के रख देंगे। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़रूरी लगी परचेज़ करने के लिए वो है ये गन बॉक्स। इसको थोड़ा सा भी टाइट है, अगर कभी आपने अपनी गन वगैरह कैरी करनी है और कहीं जाना है, और जैसे आपने आउट ऑफ टाउन कहीं जाना है और अपना वेपन साथ लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसमें आप आराम से कैरी कर सकते हैं। इस पर कोड भी है ताकि कोई और एक्सेस ना कर पाए, और यहाँ पर एक थोड़ा सा स्लॉट भी है, आप इसमें अपनी बुलेट्स और अपना लाइसेंस भी इजीली डाल सकते हैं। मैंने अब कवर लगाया हुआ तो ये बहुत मोटा हो गया, नहीं तो ये आराम से गन के साथ बंद हो जाता है कवर से निकाल के। और आप अपनी बुलेट्स वगैरह भी यहाँ पर निकाल कर रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आराम से, पर आपको खुली रखनी पड़ेगी क्योंकि इसकी बॉक्स की डेप्थ इतनी है नहीं। तो ठीक है, वेरी डिसेंट बॉक्स। अगर मैं कभी घर में अपने जैसे अलमारी में लॉकर में भी गन रखता हूँ तो उसके पहले मैं इसमें डाल के इसको भी लॉक करके रखता हूँ ताकि ये किसी के कभी हाथ ना लगे, एक तरीके से डबल सेफ्टी के लिए है ये। तो वेरी गुड थिंग, काफ़ी यूज़फुल है, और IUF ने प्रोवाइड नहीं करा था, ये एक पाउच सा दिया था तो मुझे ये अलग से ख़रीदना पड़ा। उसके बाद लास्ट एक्सेसरी है जो कि आपका गन हाउस का ओनर आपको फ्री में ही देगा आपके वेपन परचेज पे, बहुत ही सस्ती सी आइटम है ये, आपका रिवॉल्वर पिस्टल, आप इससे अपनी साफ कर सकते हो एंड वेरी इजी टू क्लीन। और अलग अलग टाइप्स के ब्रशेज हैं, इनके अलग अलग यूजेस हैं, पर मैं इन डेप्थ चला गया तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आप गन फायरिंग करने के बाद साफ़ करने के लिए है, ये अगर आपकी गन में कभी रस्ट लग जाए तो ये गोल्डन ब्रश उसके लिए है। ध्यान से, बहुत शार्प है, मेरे हाथ में चुभ भी गया अभी। एंड ये ब्रश इसके बाद मारने के लिए है, एंड ये धोती कपड़ा होता है, बस यही सब होता है इसमें, बहुत चीप सी आइटम है एंड इससे अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर मिलती भी नहीं इंडिया में, पर ये ठीक है, डज द जॉब वेरी वेल। उसके बाद गाइस ये है ये गन स्प्रे, बेसिकली ये गन स्प्रे नहीं है, ये एक बस मतलब जैसे आप WD-40 का आप वो बोल सकते हैं, एक कोई रेप्लिका या फिर मतलब WD-40 जैसे ही चीज़ है ये। तो ये गन लुब्रिकेट भी कर देता है, रस्ट भी नहीं होने देता, और अगर रस्ट लग भी गया है तो आप वो निकाल भी सकते हैं। इस पर सब लिखा हुआ है, रिमूव स्टिकीनेस, रिमूव लुब्रिकेशन, डिस्प्लेसेस मॉइस्चर, पेनिट्रेट्स रस्ट, तो ये सब चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो ये एक तरीके से गन स्प्रे का ही काम करता है। तो भाइयों आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा निशांक रिवॉल्वर के बारे में भी, रिवॉल्वर्स के बारे में भी इन जनरल,
और गन सेफ्टी एंड हाउ टू हैंडल अ गन के बारे में भी। और अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन हमारे चैनल को, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत अच्छा अच्छा और ऑसम कंटेंट डालते हैं, गाड़ियों बाइक से रिलेटेड भी और वेपन से रिलेटेड भी अब धीरे धीरे और आगे डालने शुरू करेंगे। ये लॉकडाउन एक बार खुलेगा तो उसके बाद हम रेंज पर जाके इसका फायरिंग रिव्यू भी करेंगे। वंस अगेन स्टे होम स्टे सेफ एंड आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ध्यान करिए क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा गंदी है। उसके अलावा अगर आप गन होल्डर हैं तो प्लीज़ बहुत ही रिस्पॉन्सिबली रखिए, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है एंड इट इज़ नॉट अ टॉय। वंस अगेन मैं आप लोगों को बस एक बार यही दोबारा बता देना चाहता था। एंड अगर आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस गन्स के बारे में या फिर जो कई मेरे भाई हैं जिनको एयर राइफल्स में इंटरेस्ट है और CO2 गन्स वगैरह के में इंटरेस्ट है तो मेरे पास कई सारी एयर राइफल्स भी हैं, हम उनका भी रिव्यू आप लोगों के लिए दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर आप लोगों को जानना है हाउ टू गेट अ गन लाइसेंस आपकी सिटी में कैसे क्या प्रोसेस है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या प्रोसेस है और रूरल एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में क्या प्रोसेस है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। उसके अलावा बस अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना वेपन एंजॉय करिए, रेंज पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए। ये किसी शो ऑफ की चीज़ नहीं है, ये एक पैशन है, ये एक शौक है और ये आपकी सेफ्टी के लिए आपको सरकार के द्वारा दिया गया है। तो बस ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।